शनिवार की रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते कपकोट तहसील के अंतर्गत ग्राम सुमगढ़ में मलबे में एक मकान के क्षतिग्रस्त हो जाने से घर में सो रहे 3 ग्रामीण जिंदा दफन हो गए हैं, जिसमें 1 7 साल का बच्चा भी शामिल है। जबकि घटना के वक्त 11 साल का बालक गुलशन सिंह जान बचाकर भागने में सफल रहा। ग्रामीणों ने मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचा कपकोट तहसील प्रशासन, NDRF तथा जिला प्रशासन की टीम ने स्थिति का जायजा लिया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि सुमगढ़ के तोक ऐठाण बण में शनिवार की रात भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, जिसमें गोविंद सिंह का मकान जमींदोज हो गया है। इस घटना में 40 वर्षीय गोविंद सिंह, उनकी पत्नी 35 वर्षीय खष्टी देवी तथा 7 साल का बच्चा हिमांशु जिंदा दफन हो गए हैं, जबकि घर में सोया दूसरा बच्चा जान बचाकर भागने में सफल रहा। प्रशासन ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को आपदा मद से 12 लाख रुपयों की सहायता प्रदान की है। विधायक बलवंत सिंह भौरियाल, ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू सहित पूर्व विधायक ललित परसवाण, जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी आदि ने मौके पर जाकर प्रभावित परिवार से मुलाकात की तथा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश गड़िया ने भी सुमगढ़ घटना पर गहरा दुख व शोक व्यक्त करते हुए प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। ग्राम राशन को खोल के ग्राम पंचायत सुमगढ़ में कल रात अतिवृष्टि के कारण एक परिवार में बहुत दुखद घटना घटी, जिसमें जान माल का भी नुकसान हुआ। उनमें 3 व्यक्ति दबकर मर गए, एक गोविंद सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती कष्टी देवी वैभव गोविंद सिंह और एक छोटा बच्चा हिमांशु जो 7-8 साल का था। इन्हों की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। तत्काल में माननीय विधायक क्षेत्रीय विधायक श्री भुना जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तत्काल वहाँ पर जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, डॉक्टर और SDRF की टीम भेजी और उन्हें वहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग से उनकी डेड बॉडी बाहर निकाल दी। और मैं इस सरकार का और माननीय विधायक जी का, माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि तुरंत वहाँ पर तत्काल आज उनको आर्थिक सहायता के तौर पर, जैसे 3 लोगों की मृत्यु हुई, एक प्रति व्यक्ति को 4 लाख रुपये दिए, जैसे गोविंद सिंह के नाम पर भी 4 लाख रुपये और कश्ती के नाम पर भी 4 लाख रुपये और बच्चे के नाम पर भी 4 लाख रुपये तत्काल राहत आर्थिक सहायता यहाँ पर दी गई। और अहेतु के तौर पर 3800 रुपया अतिरिक्त दिया गया और माननीय भोरा जी के प्रयासों से उन्हें शीघ्र ही मकान 1,08,000 का दिया जाएगा। और मैं इस सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस दुख की संकट की घड़ी में तत्काल उन्हें यहाँ पर राहत पहुँचाई। बाकी जो कि ये घटना घटी उसके तत्पश्चात तुरंत माननीय विधायक जी ने प्रतिक्रिया करते हुए SDRF की टीम को, SDM को, जिला प्रशासन और जो यहाँ पर तहसील प्रशासन है, पुलिस विभाग है, उनको फोन करते हुए तुरंत यहाँ पर सुबह टीमें भेज दी, जिससे मौके में आने पर यहाँ पर टीम आई और जो वहाँ पर दबे हुए जो 3 लाश थी उनको वहाँ पर निकाला गया। में सुमगढ़ के ऐठाण बण तोक में ये दुखद घटना कल रात्रि में हुई, तो इसमें 3 मृतक एक ही परिवार के 3 जनों के, प्रताप सिंह जी के पुत्र के गोविंद सिंह जी और खष्टी देवी और हिमांशु की आकस्मिक मौत हो गई। इसमें गुलशन जो इनका एक बच्चा दूसरा था, उसने जान बचाकर किसी तरह दूसरे परिवारों को सूचित करने का काम किया, नहीं तो इतनी दूरस्थ क्षेत्र में ये इनका रहने का मकान है तो शायद 1-2 दिन तक भी इनको किसी को पता नहीं चल पाता। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर आदरणीय परसवाण जी ने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि घटना स्थल के पास में जहां पर कोई नजदीक हो सके मेडिकल टीम को इस डेड बॉडी को, इनको मृतकों को बागेश्वर न ले जाना पड़े, तो सुमगढ़ में ही हम लोग इनका पोस्टमार्टम के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया, तो उन्होंने निश्चित तौर पर सहर्ष स्वीकृति दी कि मेडिकल टीम वहीं पर आएगी और हम भविष्य में भी इस परिवार के लिए निश्चित तौर पर जो भी सरकार की तरफ से मदद होगी और जो भी हम लोगों की तरफ से सामाजिक संगठनों की तरफ से जो भी मदद होगी, निश्चित तौर पर इन लोगों को मदद करने का काम। आज सुबह हम लोग जब सुबह उठे थे तो पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, उनका फोन आया मुझको कि सुमगढ़ में एक हादसा यहाँ पर हो गया करके ठंडपण टोक में, तो जिसमें गोविंद सिंह पंडा और खष्टी देवी और उनका एक बच्चा, तीनों जो हिमांशु, तीनों दबगे करके, तो सीधे हमने SDM साहब को, जिला प्रशासन को तत्काल अवगत भी कराया था। जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और जिलाधिकारी महोदय से मैंने और जिला पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने निवेदन भी किया था। हम जिला प्रशासन से तत्काल चाहते हैं कि इन बच्चों को मुआवजा भी मिले और जो भी हर संभव जो यहाँ के हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हम लोगों से हो, एक दलगत राजनीतिक दल से ऊपर उठकर इस परिवार के लिए हम सब लोगों ने मदद करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस दुख की घड़ी में अगर हम सब लोग
इस परिवार के साथ, बच्चों के साथ, गुलशन के साथ खड़े रहेंगे तो शायद बहुत बड़ी ताकत इसको भी मिलेगी, क्योंकि 10 साल का ये बच्चा है और पूरी मौत के मुंह से बच के आया। रात को 2:30 बजे इसने अपनी जान बचाकर इसने अपने दूसरे परिवार को शरण ली। तो इस बच्चे को भी धाड़स तभी बच सकता है जब हम सब लोग इसकी परवरिश करेंगे, आगे बढ़ाकर इसको भी कहीं मजबूत देने का पूरा प्रयास करेंगे। सुमगढ़ पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है और कल रात जो सूचना मिली, एक परिवार जिसमें 3 लोग पूरे मकान में जमींदरों हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, ये खबर हमारे लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही क्षुब्ध करने वाली खबर है। मैं उस परिवार को अपनी ओर से और सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको श्री चरणों में स्थान दे और सरकार से और प्रशासन से या उम्मीद भी करता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा न हो, ऐसी आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा ऐसे मकानों का चिन्हीकरण करें और जो जमीरोध की स्थिति में हैं उनका पुनर्स्थापन करने की योजना बनाई जाए, क्योंकि जो घटना हो गई उसको रोका नहीं जा सकता है। जो आने वाली और घटनाएं हैं उनको और रोकने के लिए बहुत बड़ी योजना बना के ये काम करना होगा। यद्यपि इस बार 4 साल में लगभग 42 गांवों की योजना थी जिसमें 40 गांवों का विस्थापन हम लोगों ने किया है। अभी एक जाख में 2 परिवारों का विस्थापन होना है, उसको भी मैंने कर दिया पिछली मीटिंग में। जाख के 2 परिवार भी मैंने विस्थापन के लिए उनके मकान और आवास के लिए 5-5 लाख रुपए की स्वीकृत कर दी है और लगभग 22 गांव और परिवार ऐसे कपकोट में हैं उनके विस्थापन और पुनर्स्थापना के लिए वहाँ के माननीय विधायक जी ने भी वहाँ पैसा स्वीकृत किया है। और भी पहाड़ों में जो 5 जोन के हमारे जो क्षेत्र हैं, वैसे भी हमारा जिला ही बागेश्वर का 5 जोन में है, तो बरसात के समय में उससे पहले ही बहुत से ऐसे हमको कार्यक्रम करने चाहिए कि हम इन परिस्थितियों को दोबारा ना आने दें, ऐसे परिवारों को बचाया जा सके, ऐसे के लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता। देखिए, हमारे पास सुबह लगभग 6:30 बजे हमारे पास ग्राम प्रधान जो सुमगढ़ के हैं उनका हमारे पास कंट्रोल रूम में फ़ोन आया था और उनके द्वारा बताया गया था कि जो सुमगढ़ का ऐठा बगड़ जो तोप है वहाँ पे एक मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और मकान के गिरने से जो है वहाँ 2 से 3 लोगों के उन्होंने दबने की सूचना हमें बताई। उसके बाद हमारे द्वारा जो स्थानीय प्रशासन, हमारे SDM साहब हो गए, ED और हमारे तहसीलदार साहब हो गए और पुलिस की टीम, SDRF, स्वास्थ्य की टीम मौके के लिए रवाना हो गई थी। अभी ADM सभी मौके के लिए हमारे जो है रवाना हो गए हैं। तो वहाँ हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी जो SDM साहब ने बताया कि वहाँ रेस्क्यू जो है पूर्ण कर लिया गया है और 3 लोगों की मौके में जो है डेथ हो गई है। बाकी जो है टीम के द्वारा जो है वहाँ पर पोस्टमार्टम की अभी कार्रवाई की गई है। CCN News के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।